आपको बता दें ईडी ने कांग्रेस के यंग इंडिया दफ्तर को सील कर दिया है। आपको बता दें नेशनल हलाल केस में ईडी की कार्रवाई के बाद कांग्रेस भी अब एक्शन की तैयारी में। देर रात तक पार्टी ऑफिस के बाहर कार्यकर्ता जो है वो जुटे रहे। बड़े नेता भी पार्टी ऑफिस पहुंचे और सरकार पर हमला बोला। वहीं कांग्रेस ने आज लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव लाने वाली है। संसद की कार्यवाही से पहले कांग्रेस ने पार्टी के लोकसभा और राज्यसभा सांसदों की बैठक भी बुलाई। इस दौरान सरकार के खिलाफ मोर्चाबंदी को लेकर रणनीति पर मंथन किया जाएगा। एक तरफ तो यंग इंडिया लिमिटेड का दफ्तर सील कर दिया गया, दूसरी तरफ कांग्रेस दफ्तर पर लगातार हलचल बेहद तेज है। कहा जा रहा है ईडी का दायरा भी जांच का और बढ़ सकता है, लिहाजा कांग्रेस की ओर से अभी तमाम राजनीतिक कदम उठाए जाने बाकी हैं। स्थगन प्रस्ताव आज दिया गया है संसद की कार्यवाही में, अन्यथा हो सकता है कि आज सदन की तस्वीर बेहद हंगामेदार देखने को मिले। पार्टी सांसदों की इसके लिए बाकायदा बैठक बुलाई गई। तस्वीरें आपको बैठक की दिखा रही है, जब कांग्रेस दफ्तर पर यह बैठक बुलाई गई थी, मुकुल वासनिक के दफ्तर पर यह दरअसल बैठक हो रही थी और उसके बाद अब सदन में स्थगन प्रस्ताव आज दिया गया है। और चलिए राहुल गांधी का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर वो आपको सुनवा देते हैं। Want to take away what is theirs and give it to two or three of the biggest industries, right? So in India, if you look at, for example, Notbandi, demonetization, you look at GST, you look at farm laws, every action of theirs is about taking away things from poor people, weaker people, and handing it to the biggest, richest people.